यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में शनिवार के रात 9 बजे कच्ची चौक स्थित एक निजी दवाखाने में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही आग की लपटों ने दवाखाने को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की घटना का पता चलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। इस घटना की सूचना तात्काल रूप से नगरपालिका के अग्निशमन दस्ते और दिग्रस पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन दस्ते ने कर्मचारियों ने आग को काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान दिग्रस पुलिस कर्मचारी और महावितरण के कर्मचारियों ने भी राहत कार्य में अपना सहयोग दिया। गौरतलब है कि जिस दवाखाने में आग लगी वह दवाखाना यशवंत राउत का है, वही दवाखाने से सटा मेडिकल स्टोर भी आग की लपटों में आ गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसी बीच अग्निशमन वाहन में रखा पानी भी खत्म हो गया, जिसके बाद अग्निशमन वाहन में दोबारा पानी भरकर लाया गया और फिर से आग की चिंगारियों को बुझाने का काम किया गया। इस तरह से आग की घटना पर नियंत्रण पाया गया। किस्मत अच्छी थी कि इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन दवाखाना जलकर राख होने से बड़े पैमाने पर वित्तीय हानि हुई है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।